हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कस्टमरों के लिए एक नई सर्विस शुरू की है जिसका नाम है SBI वीडियो KYC। इससे सभी सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए अब आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल SBI ने अपनी मोबाइल बैंकिंग योनो SBI पर वीडियो KYC अकाउंट ओपनिंग फीचर शुरू किया है। यानी अगर आपको SBI में अकाउंट खुलवाना है तो आपको योनो SBI ऐप से घर बैठे वीडियो KYC के जरिए अकाउंट ओपन कर सकेंगे। योनो SBI का वीडियो KYC फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से काम करता है एंड ये एक कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग फीचर है। यहाँ पे आपको घर बैठकर जो योनो SBI का डिजिटल सेविंग अकाउंट विदाउट ब्रांच जाके खुलवा सकते हैं एंड आपको सबका फुल KYC वाला अकाउंट है। आपको सभी फीचर इसमें आपको मिलेगा जो कि एक रेगुलर सेविंग अकाउंट में है। दोस्तों, आप अकाउंट को अप्लाई करने के लिए पहले आपको योनो SBI में अप्लाई करना होगा एंड उसके पहले आपको योनो SBI आपको अपडेट करना होगा क्योंकि ये जो फीचर अभी लॉन्च हुआ है एंड आपको अपडेट करने के बाद ही ये जो इसका जो फीचर आपको शो कराएगा। इसलिए गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको योनो SBI को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको एक अगर आप न्यू कस्टमर अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको न्यू टू SBI पर क्लिक कीजिए। न्यू टू SBI पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, विदाउट ब्रांच विजिट एंड विथ ब्रांच विजिट। अगर आप घर बैठकर ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो KYC के जरिए तो आपको विदाउट ब्रांच विजिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, इंस्टा सेविंग अकाउंट। आपको इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट में क्लिक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट पे क्लिक कीजिए। इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट के क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इस वीडियो KYC की पूरी इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जैसे आप यहाँ पे ये जो अकाउंट है ये फुल KYC अकाउंट है। आपको वीडियो कॉल के जरिए इस अकाउंट को फुल KYC को कंप्लीट करना होगा एंड ये पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बैंक को देने की जरूरत नहीं है एंड आपको ब्रांच पे विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है एंड यहाँ पे आपको पर्सनलाइज रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। जब भी आप अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके कुछ दिनों के अंदर आपको डायरेक्ट जो पोस्ट पर आपका जो डेबिट कार्ड आपके डायरेक्ट होम एड्रेस पर डिलीवरी हो जाएगा एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा एंड ईमेल देना होगा। उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको OTP आएगा, OTP वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स देना होगा, जैसे आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, जैसे आपका पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा एंड उसके बाद जब भी आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे आधार नंबर पे भी OTP आएगा, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद पूरी डिटेल्स देने बाद लास्ट को आपको एक वीडियो KYC का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो KYC को कंप्लीट कीजिए। वीडियो KYC कंप्लीट करने के बाद आपके बैंक में आपका पूरा वेरीफिकेशन किया जाएगा देन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो भी आप जो डेबिट कार्ड है डायरेक्ट होम एड्रेस पर आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं SBI वीडियो KYC सेविंग अकाउंट के बारे में। तो सर, जो SBI का वीडियो KYC सेविंग अकाउंट अभी लॉन्च हुआ है एंड इसे ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 18 साल होना जरूरी है एंड आपके पास वैलिड आधार नंबर चाहिए, यानी आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, उसके साथ साथ आपको पैन कार्ड भी चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर जो भी आधार कार्ड है उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो उस पर एक OTP आता है, रजिस्टर नहीं होने की वजह से OTP नहीं आएगा एंड आपको अकाउंट को ओपन नहीं कर सकेंगे। इसलिए मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर होना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल ऑपरेशन अकाउंट आपको मिलेगा, आप यहाँ पे जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे एंड यहाँ पे आपको नॉमिनेशन भी मैंडेटरी होगा। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको एक नॉमिनेशन को ऐड करना होगा। यहाँ पे आपको चेकबुक एंड पासबुक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एक eKYC यानी एक आधार बेस्ड वीडियो KYC अकाउंट है, इसलिए आपको चेकबुक एंड पासबुक यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा एंड आपको सिग्नेचर बेस्ड कोई भी सर्विस आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जब भी आप वीडियो KYC आपका अकाउंट जब भी आप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ आपका जो ब्रांच, आप जो भी ब्रांच में अप्लाई करेंगे उस ब्रांच में आपको वेरीफिकेशन किया जाएगा। जो ये भी ऑनलाइन होगा, ये पोस्ट वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट नंबर एंड उसका जो IFSC कोड है अकाउंट नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, देन आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको कोई भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, सब आप घर पर बैठे ऑनलाइन उसे करा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो KYC प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आसान है, आपको कुछ ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो SBI का जो योनो SBI में जो भी फॉर्म कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको एक वीडियो KYC का ऑप्शन आएगा, देन उस वीडियो KYC ऑप्शन पर टैप कीजिए।
टैप करने के बाद जो एसबीआई का कस्टमर एजेंट है, जो केवाईसी एजेंट है, उनकी तरफ से जो वीडियो कॉल आएगा, तो उस वीडियो कॉल को रिसीव कीजिए। रिसीव करने के बाद वो आपका नाम पूछेगा, तो अपने नाम बताइए एंड वो आपका एक फ्रंट आपका जो एक सेल्फी लेगा या फ्रंट से जाकर आपको एक फ़ोटो लेगा। फोटो लेने के बाद आपका जो आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो आपको दिखाना होगा उनको, एक जो कैमरे के जरिए आपको दिखाना होगा। देन दिखाने के बाद जो आप आपको वेरिफिकेशन करेंगे ना, उसके बाद आपको एक वाइट पेपर में अपना सिग्नेचर करना होगा। तो उन सिग्नेचर को भी आपको कैमरे के जरिए जो केवाईसी एजेंट है उनको दिखाना होगा। देन इतने सब करने के बाद आपको वीडियो को ऐसी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद कुछ ही टाइम बाद आपका जो अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा एसबीआई का वीडियो केवाईसी का पूरा प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए। अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।